हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS601 डेटा कम्युनिकेशन के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कोशिश की गई है जितने भी एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनके आंसर्स करेक्ट हो, और अगर आप इनको खुद से मैच कर ले तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। एक तरफ आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो आपके सामने आएगी। पहला ये है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है फेलियर की, और इसके अलावा नेटवर्क रिकवरी टाइम एक फेलियर के बाद, ये मेजर है डैश ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क की किस चीज़ का मेजर है? ये रिलायबिलिटी का मेजर है। और उसके बाद ये है कि इन डैश ट्रांसमिशन, कौन सी ट्रांसमिशन के अंदर जो क्या है चैनल कैपेसिटी होती है ये शेयर की जाती है बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइस एट ऑल टाइम, वो है ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन। उसके बाद ये कि एक अनऑथोराइज यूज़र जो होता है नेटवर्क का, वो डैश इशू है। कौन सा इशू है? वो है सिक्योरिटी इशू। उसके बाद ये कि कौन सी टोपोलॉजी रिक्वायर करती है एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन, वो है बस टोपोलॉजी। उसके बाद ये कि एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एग्जाम्पल है किस ट्रांसमिशन का, वो है सिंप्लेक्स। और उसके बाद ये कि डैश कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है डेडिकेटेड लिंक दो डिवाइसेस के दरमियान, वो है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद ये कि एक केबल ब्रेक अगर आता है कौन सी टोपोलॉजी के अंदर, वो स्टॉप कर देता है तमाम ट्रांसमिशन, वो है बस टोपोलॉजी। और उसके बाद ये कि कौन सी लेयर है द डैश लेयर जो कि चेंजेस करती है बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर, वो है फिजिकल। उसके बाद ये कि फिजिकल लेयर जो है वो कंसर्न होती है ट्रांसमिशन से किसकी, ओवर द फिजिकल मीडियम ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स की। उसके बाद ये कि मेल सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होती है नेटवर्क को, नेटवर्क यूजर्स को थ्रू दी डैश लेयर, किस लेयर के थ्रू, वो है एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद ये कि द डैश लेयर, कौन सी लेयर जो है वो लाई करती है नेटवर्क लेयर के दरमियान और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान, उसके वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर लाई करती है नेटवर्क लेयर के दरमियान और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान। उसके बाद ये कि लेयर टू जो है वो लाई करती है फिजिकल लेयर के दरमियान और नेटवर्क लेयर के दरमियान। उसके बाद ये कि जब डेटा ट्रांसमिटेड होता है डिवाइस ए से डिवाइस बी को, सो द हेडर जो होता है फ्रॉम ए इज लेयर फोर इज रीड बाय बीस डैश लेयर, कौन सी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद ये कि बिफोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड दे मस्ट बी, उसको ट्रांसफॉर्म होना होगा लाजमी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। उसके बाद ये कि एक पीरियोडिक सिग्नल जो है वो कंप्लीट करता है एक साइकिल 0.01 एस, सो वाट इज़ दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 1 kHz। उसके बाद ये कि एक फ्रीक्वेंसी इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो मेजर करता है फ्रीक्वेंसी, और इन अ टाइम डोमेन प्लॉट, टाइम डोमेन प्लॉट के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर करता है एक मेजर है एक्चुअली किसका, टाइम का। उसके बाद ये है कि अगर बैंडविड्थ जो है एक सिग्नल का वो है 5 kHz और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वो है 52 kHz, सो व्हाट इज़ दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 57 kHz। उसके बाद ये जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है सो पीरियड जो है वो डिक्रीज होता है। और उसके बाद ये कि डैश ट्रांसमिशन, कौन सी ट्रांसमिशन के अंदर बिट्स जो है वो ट्रांसमिटेड होते हैं साइमल्टेनियसली तौर पर और ईच अक्रॉस इट्स ऑन वायर, वो है पैरेलल। उसके बाद ये कि यूनिपोलर, बाईपोलर और पोलर एनकोडिंग, ये जो टाइप्स हैं कौन सी एनकोडिंग के, लाइन एनकोडिंग के। उसके बाद ये कि डैश एनकोडिंग, कौन सी एनकोडिंग जो है उसकी एज अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन है मिडिल ऑफ ईच बिट, वो है ऑल ऑफ द अबव, RZ मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर। उसके बाद ये कि कौन सी एनकोडिंग जो है उसकी एक ट्रांजिशन है बिगनिंग एट द बिगनिंग ऑफ ईच जीरो बिट, वो है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। उसके बाद ये कि PCM जो है वो एक एग्जांपल है कौन सी कन्वर्जन की, एनालॉग टू डिजिटल की। उसके बाद ये कि अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो एक सिग्नल का उसकी बैंडविड्थ है 500 Hz, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ 62 Hz के ऊपर, सो व्हाट शुड बी सैम्पलिंग रेट, और सैम्पलिंग रेट क्या होना चाहिए नाइक्विस्ट थ्योरम के मुताबिक, वो है 1200 सैम्पल्स। और उसके बाद ये कि एक फैक्टर, वन फैक्टर इन द एक्यूरेसी ऑफ आर रिकंस्ट्रक्टेड PCM सिग्नल, वो है नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर क्वांटाइजेशन। उसके बाद ये कि अगर बॉड रेट जो है फॉर अ QM सिग्नल वो है 1800 और बिट रेट 9000 है, सो कितने बिट्स जो है आर देयर फॉर पर सिग्नल यूनिट, वो है 5। और उसके बाद ये कि given an AM radio signal with a bandwidth of 10 kHz and highest frequency component at 705 kHz, so क्या फ्रीक्वेंसी है करियर सिग्नल की, वो है 700 kHz। उसके बाद ये कि जो बैंडविड्थ होता है एक FM सिग्नल का रिक्वायर करता है 10 times the bandwidth of डैश सिग्नल, वो है मॉड्यूलेटिंग।
उसके बाद ये कि जो मॉड्यूलेशन होती है एनालॉग सिग्नल की, उसको एकम्प्लिश किया जाता है थ्रू चेंजिंग द डैश ऑफ द करियर सिग्नल। सो इसका जवाब है एनी ऑफ द अबव। और उसके बाद ये कि एक मॉड्यूलेटर कन्वर्ट करता है कौन से सिग्नल को कौन से सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल्स टू अ एनालॉग सिग्नल, टू एनालॉग सिग्नल। उसके बाद ये कि एक 52K मोडेम जो है वो डाउनलोड कर सकता है एट द रेट ऑफ डैश KBPS एंड अपलोड डैश, सो डाउनलोड कर सकता है एट द रेट ऑफ 56.6 KBPS और अपलोड एट द रेट ऑफ 33.6 KBPS। और उसके बाद ये कि ट्रेलिस कोडिंग के अंदर नंबर ऑफ डेटा बिट्स जो है वो क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड बिट्स। उसके बाद ये कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो क्लोज है कौन सी लेयर से, फिजिकल लेयर से। उसके बाद ये कि ऑप्टिकल फाइबर्स अनलाइक वायर मीडिया हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के। उसके बाद ये कि कौन सी डैश प्रोपगेशन, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो जो है वेव्स हग दी अर्थ, सो वो है ग्राउंड प्रोपगेशन के अंदर। उसके बाद ये कि पैराबोलिक डिश जो है एंटीना इज डैश एंटीना, वही यूनि डायरेक्शनल एंटीना। और उसके बाद ये कि हाउ मेनी क्रॉस पॉइंट्स आर नीडेड, कितने क्रॉस पॉइंट जरूरी होते हैं एक सिंगल स्टेज स्विच विद 40 इनपुट्स एंड 50 आउटपुट। सो यहाँ पर है हमारे पास 2000। उसके बाद है कि डैश द डैश इज अ डिवाइस, कौन सी ऑप्शन इसमें से एक डिवाइस है जो कनेक्ट करती है एन इनपुट्स को एम आउटपुट से, वो है क्रॉस बार। और उसके बाद है कि एक क्रॉस बार जो है जिसके विद 1000 क्रॉस पॉइंट्स के साथ एक क्रॉस बार के अंदर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आर इन यूज एट एनी टाइम, वो है 250। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वो जो एक टाइम डिवीजन स्विच है एक्चुअली, वो है TSI और TDM बस, यानी कि ए एंड बी। इसका आंसर जो है वो ए एंड बी बहुत है। उसके बाद ये कि फ्लो एंड एरर कंट्रोल जो है, सॉरी एक्चुअली ये चैप्टर 9 है फ्लो एंड एरर कंट्रोल। यहाँ पे है कि सोनेट जो है एक स्टैंडर्ड है फॉर डैश नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क के लिए, वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। और उसके बाद ये कि डैश इज अ डिवाइस, इनमें से कौन सा ऑप्शन, एक डिवाइस है एट अ टेलीफोन कंपनी साइड जो कि पैकेटाइज करती है डेटा को टू बी सेंड टू दी ISP सर्वर, वो है RDS/LAN। और उसके बाद ये कि जो स्टैंडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन है ओवर एन HFC नेटवर्क वो कहलाता है DOCSIS। उसके बाद ये कि DMT जो एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो कंबाइन करती है एलिमेंट ऑफ डैश एंड डैश FDM और QAM। उसके बाद ये द डैश इज इनमें से क्या जो है वो एक HFC नेटवर्क डिवाइस इंस्टॉल्ड होती है इन साइड दी डिस्ट्रीब्यूशन हब जो कि रिसीव करती है डेटा इंटरनेट से और पास करती है उसको कंबाइनर तक, वो है CMTS। CMTS जो है एक HFC नेटवर्क डिवाइस है। उसके बाद ये कि HDSL एनकोड्स करता है डेटा यूजिंग 2B1Q। और उसके बाद ये क्या है अनदर नेम, जो दूसरा नाम है केबल टीवी ऑफिसेस के लिए वो क्या है, हेड एंड है। उसके बाद ये कि एक ट्रेडिशनल केबल टीवी नेटवर्क ट्रांसमिट करता है सिग्नल डाउन स्ट्रीम करता है। उसके बाद ये है कि एक कौन सा एरर डिटेक्शन मेथड जो है वो यूज़ करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, वो है चेक सम। उसके बाद ये है कि विच एरर डिटेक्शन मेथड, कौन सा एरर डिटेक्शन मेथड है जो कि कंसिस्ट करता है वो जस्ट वन रिडंडेंट बिट पर डेटा यूनिट, वो है सिंपल पैरिटी चेक। उसके बाद ये कि कौन सा एरर डिटेक्शन मेथड जो है उसमें इन्वॉल्व है पॉलिनोमियल्स, वो है CRC। और उसके बाद ये कि HDLC जो है एक एक्रोनिम है, एब्रिवेशन है किसकी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। और उसके बाद ये कि इना गो बैंक एंड ARQ, अगर विंडो का साइज जो है वो है 63, सो क्या रेंज होगी सीक्वेंस नंबर की, वो है 0 to 63। और उसके बाद ये कि जब डेटा और एक्नॉलेजमेंट जो है उनको भेजा जाता है ऑन द सेम फ्रेम के ऊपर, वो कहलाता है क्या, पिगी बैकिंग। और उसके बाद ये कि अगर PPP फ्रेम द टेस्ट फील्ड डिफाइंस द कंटेंट ऑफ द डेटा फील्ड, वो है प्रोटोकॉल जो है, द प्रोटोकॉल फील्ड डिफाइंस द कंटेंट ऑफ अ डेटा फील्ड। उसके बाद ये कि PPP फ्रेम के अंदर ही द डैश फील्ड,
वो कौन सी फील्ड जो है सिमिलर है टू दैट ऑफ द यू फ्रेम इन द एचडीएलसी, वो है द कंट्रोल फील्ड। और उसके बाद ये है कि पीपीपी फ्रेम के अंदर ही है कि एड्रेस फील्ड जो है दी डैश फील्ड, तो यहाँ पर एड्रेस फील्ड होती है जो कि हैज़ अ वैल्यू होती है उसकी 1111111 टू इंडिकेट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ एचडीएलसी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सेस प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल इथरनेट से, ट्रेडिशनल इथरनेट के ज़रिए, वो है CSMA/CD। और उसके बाद ये कि इन द डैश रैंडम एक्सेस मेथड स्टेशन डू नॉट सेंस द मीडियम, स्टेशन जो है वो सेंस नहीं करते मीडियम, वो है LAL OHA। उसके बाद ये है कि अगर एक इथरनेट डेस्टिनेशन एड्रेस जो है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया ये है, सो देन देन दिस इज ए डैश एड्रेस, ये कौन सा एड्रेस है, ये कास्ट। उसके बाद ये है कि क्या व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है इथरनेट एड्रेस जो आपको बताया जा रहा है। सो ये है 5A-11-55-18-AA-0F। उसके बाद ये कि अब ब्रिज हैज एक्सेस, एक ब्रिज जो होता है उसका एक्सेस होता है टू डी डैश किस तक, कौन से एड्रेस तक, एक स्टेशन के ऑन द सेम नेटवर्क, वो है फिजिकल एड्रेस। और उसके बाद ये कि एक सिस्टम जो होता है रिडंडेंट ब्रिजेस के साथ माइट हैव अ प्रॉब्लम विद डैश इन द सिस्टम, सो लूप आएगा यहाँ पे, लूप प्रॉब्लम हो सकती है किसके साथ, लूप्स के साथ सिस्टम में। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें क्लास जो है आईपी एड्रेस की जो आपको दिखाया जा रहा है, सो ये है क्लास बी। उसके बाद ये कि क्लास डैश हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ होस्ट पर गिवन नेटवर्क एड्रेस, सो कौन सी क्लास होती है जिसके अंदर हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर एक्चुअली होते हैं होस्ट के पर गिवन नेटवर्क एड्रेस, वो है क्लास ए। और उसके बाद ये कि कौन सी राउटिंग है, द फुल एड्रेस जो है, फुल एड्रेस ऑफ आर डेस्टिनेशन इज गिवन इन द राउटिंग टेबल, ये है होस्ट स्पेसिफिक राउटिंग। और उसके बाद ये अटैच मैसेज, कौन सा मैसेज जो है टेल्स इन अपस्ट्रीम राउटर, बताता है वो अपस्ट्रीम राउटर को के स्टॉप किया जाए सेंडिंग मल्टीकास्ट मैसेज एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए थ्रू स्पेसिफिक राउटर, वो है प्रून मैसेज। और उसके बाद ये द डैश कौन क्या है वो जो कि यूज़ किया जाता है एक राउटर के ज़रिए ताकि रिस्पॉन्स दिया जाए रिसीव लीव लीव रिपोर्ट, वो है स्पेशल क्वेरी मैसेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद ये कि आरआईपी जो है ये बेस्ड करता है किसके ऊपर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के ऊपर। और उसके बाद ये डैश मैसेज कौन सा मैसेज होता है जो कि टेल्स एन अपस्ट्रीम राउटर, बताता है अपस्ट्रीम राउटर को कि स्टार्ट किया जाए सेंडिंग मल्टीकास्ट मैसेज स्पेसिफिक ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक राउटर के थ्रू, वो है ग्राफ्ट मैसेज। और उसके बाद ये द डैश सॉकेट, कौन सा सॉकेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक प्रोटोकॉल के साथ जो कि डायरेक्टली यूज़ करता है सर्विसेज को आईपी की, वो है रॉ सॉकेट। और उसके बाद डैश सर्वर, कौन सा सर्वर होता है सर्व करता है मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडलिंग वन रिक्वेस्ट एट अ टाइम, वो है कनेक्शन लेस आइटरेटिव। और उसके बाद ये कि एक डैश ओरिएंटेड कंकरेंट सर्वर होता है जो कि यूज़ करता है डैशबोर्ड, वो है वेल नोन भी है और वो एफिमरल भी है, सो ए एंड बी बोथ इसका जवाब है। और उसके बाद ये कि एक सर्वर प्रोग्राम होता है वंस इट इश्यूज, जब वो इशू करता है डैश सो वेट्स करता है क्लाइंट के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए उसकी सर्विस, वो है अ पैसिव ओपन। उसके बाद ये एन एप्लेट, एक एप्लेट जो है वो क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो है एन एक्टिव डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। उसके बाद ये कि रियल टाइम के अंदर एंड अ रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस, रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर डेटा जो होते हैं फ्रॉम सर्वर आर डैश टू द क्लाइंट साइड, डेटा जो होते हैं सर्वर से वो होते हैं मल्टीकास्ट होते हैं टू द क्लाइंट साइड्स। और उसके बाद यार डैश, एक डैश जो है वो ऐड करता है सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ताकि क्रिएट करे सिंगल सिग्नल, वो है मिक्सचर। उसके बाद है कि एक स्टैंडर्ड जो कि अलाउ करता है एक टेलीफोन को टू टॉक, टॉक के लिए टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो कि कनेक्ट होता है इंटरनेट से, वो है H.323। और उसके बाद यार डैश एक इनमें से क्या जो है वो चेंज करता है फॉर्मेट जो है हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल को टू लोअर क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल, वो है ट्रांसलेटर। और उसके बाद ये इन द लास्ट, जो लास्ट स्टेप है जेपैक का डैश, द लास्ट स्टेप इन जेपैक डैश रिमूव रिडंडेंसीज, वो है कंप्रेशन।
और उसके बाद यह आ जाता है कि कम्युनिकेशन जो होती है कंप्यूटर के दरमियान और कीबोर्ड के दरमियान इन्वॉल्व टेक्स्ट ट्रांसमिशन। सो कौन सी ट्रांसमिशन है उसमें इन्वॉल्व, वो है सिंप्लेक्स। और उसके बाद ये कि एक नेटवर्क इन द नेटवर्क विद 25 कंप्यूटर्स, 25 कंप्यूटर्स के साथ। सो कौन सी टोपोलॉजी जो रिक्वायर करती है मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग, वो है मैश। और कौन सी टोपोलॉजी जो है वो रिक्वायर करती है कि सेंट्रल कंट्रोलर या हब, वो है स्टार। उसके बाद ये द डैश इज दी इनमें से कौन सा जो है वो फिजिकल पैथ है ओवर विच हम मैसेज, एक मैसेज जो है जिसके ऊपर ट्रेवल करता है वो है मीडियम। और उसके बाद ये कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी अथॉरिटी है ओवर इंटर स्टेट्स और इंटरनेशनल कॉमर्स इन द कम्युनिकेशन फील्ड, वो है FCC। उसके बाद ये द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेट होती है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में वो क्या है, वो है मैसेज। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।